स्टार्ट कीजिए भैया। चौबीस शताब्दी से लेकर 1565 तक का जो इतिहास है बहुत गौरवान्वित इतिहास है। चित्तौड़गढ़ को शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की धरती के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीन बड़े बड़े जौहर हुए थे, जौहर में समझते नहीं आप, एक साथ उड़ते हैं चीता जलाती है। ओके ओके, यहाँ तीन बड़े बड़े जौहर हुए थे, तीन बड़े बड़े हुए। अच्छा, उस समय एक प्रथा चलती थी उसको बोलते साका। साका साका में क्या होता था, जब राजपूत लोगों को पता चल जाता है सामने वाली सेना पावरफुल है, हम जिंदा कर लौट के नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में घर के अंदर जो जवान होते और छोटे बच्चे होते थे ना, उनको पहले ही मार देते, फिर युद्ध करने जाते। अच्छा अच्छा, एक प्रथा और चलती थी उसको बोलते सती प्रथा। सती प्रथा, उसमें क्या होता था, हस्बैंड की किसी भी रीजन से डेथ हो जाती थी और उसको उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस कुप्रथा को बंद कराया था राजा राम मोहन राय ने। अभी अपन जहाँ खड़े हैं इसको कुंभा पैलेस बोलते हैं। अच्छा, महाराणा कुंभा को आधुनिक राजाओं के नाम से जाना जाता है। उनको शिल्प शस्त्र और शास्त्र तीन चीज का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने कार्यकाल में 32 नए फोर्ट बनाए थे। सबसे ज्यादा रिनोवेट का जो काम कराया था वो इसके अंदर महाराणा कुंभा ने कराया था। अच्छा, इसलिए इसको कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उन्होंने अपने कार्यकाल में 32 नए फोर्ट बनाए थे। उसमें एक सबसे बड़ा फोर्ट है अजय फोर्ट जिसको बोलते हैं कुंभलगढ़। अच्छा, तो पहले उधर नहीं जा सकते, जाएंगे ना, चलेंगे जाएंगे। अच्छा अच्छा, इधर के बाद वहाँ सामने देखो, इधर वहाँ चलेंगे अपन। वो जो सामने व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है वो उधर 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 सामने वाला, वहाँ पे भी चलेंगे। हेलो हेलो, एम लेदिगो विकेट जैसेना ఒక్క నిమిషం బ్లాక్ చేస్తున్నా ఉండు మళ్ళీ तो पहले के जो राजा होते थे ना वो सब सूर्यवंशी होते थे। अच्छा, सूर्य उपासक होते थे, तो अपने बेडरूम से उठ के आते थे और इसको सूरज गोखड़ा बोलते हैं, ईस्ट फेसिंग है। सूरज गोखड़ा क्या, सूरज गोखड़ा उधर जा सकते, उधर नहीं जा सकते। क्यों, यहीं से देखेंगे, अंदर बीच में खाई बना हुआ है। खाई बोले तो खाई मीन्स रास्ता नहीं है अंदर जाने का, गड्ढा बना हुआ है बड़ा, उधर है ना, उधर चलेंगे, आप देख लेना, उधर जाएंगे ना, उधर मुश्किल है चलना, इधर से जा सकते ना, इधर से देख सकते हैं। तो पहले के राजा सब सूर्यवंशी होते थे, उगते हुए सूरज की पूजा करते थे। उसके बाद सूरज के रथ में जो सात घोड़े होते हैं ना व्हाइट कलर के, सात घोड़े सामने बांधे जाते थे, उनकी पूजा होती थी। ओके, इधर रहता उधर बैठता था, हाँ सूरज उधर बैठ उधर बैठता था। ओके, सन उधर आता है, सन इधर आता है, ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट जो साइड होता है ना। ओके, वो ये है, उधर जा नहीं सकते, बीच में इसको खाई बोलते हैं। खाई, व्हाट इज दिस खाई, खाई बोले तो क्या है, खाई मींस रास्ता, रास्ता रास्ता नहीं है इधर। क्यों रास्ता नहीं है, पहले हम जाते पहले थे उधर, पहले इधर से आना पड़ता था, नीचे से ब्लॉक कर दिया, विकेट बंद कर दिया। उधर क्या है फिर, रास्ता है इधर से आने के लिए, किधर आने के लिए है, ऊपर आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर स्टेयरकेस देखा, सीढ़ी ये नीचे निकलती है इधर। ओके ओके, अभी बंद करके रखा गवर्नमेंट ने, क्यों, भीड़ भाड़ बहुत रहता है उधर, खुला है, रेलिंग वेलिंग नहीं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह, उसके बाद यहाँ दो घंटे के लिए ओपन कोर्ट चलता था। अच्छा, इदंता राजस्थानी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स चूपिचे व्लॉग, एस्पेशली चित्तौड़ फोर्ट एंड दानकी नेनु ऑलरेडी इदी सेकेंड टाइम ना विजिट, मी कोसम व्लॉग चेयडम कोसमे टुडे आई केम वंस अगेन। ये क्या है भैया, अंदर चलेंगे, चलेंगे, వర్షంలో తడుస్తూ నా వ్లాగ్ అవుతుంది నా ఫోన్. ఇస్ తరగే తిన్ తిన్ మంజిల్ కే భవ్య కలర్ఫుల్ ప్యాలెస్ హోతా థా. లాస్ట్ అటాక్ కియా థా యా 1568 మే అక్బర్ ని. లాస్ట్ అటాక్ 1568 లో లాస్ట్ అటాక్ ఏంటి అంట. ఓకే, ఇదంతా డ్యామేజ్ కూడా అయిపోయింది అంట అదే టైం లో. అచ్చా. बोलिए भैया, थोड़ा मेरा व्लॉग, एक व्लॉग चल रहा है, आप बोलते रहिए, अच्छा, मेरा शूट भी हो जाता है। ये उस समय का तहखाना होता था, लॉकर जिसको बोलते हैं, जहाँ उनका गोल्ड ऑर्नामेंट सिक्के करेंसी होता था ना, तो उसके अंदर भर के इसको ऊपर से पैक करके रखते थे, इस पे रहता। वो जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा देख रहे हैं वो 1200 साल पुराना है, 8वीं शताब्दी का। అక్కడ లక్ష్మీదేవి విగ్రహం ఉంది, అది ఎప్పుడు, కిత్నా ఇయర్స్ బ్యాక్ హే, 12
1200 years back अंदर दंडम పెట్టుకోండి yes या ఇది దీని ఏమంటారంట లాకర్ అంట బట్ భయ్య ఉదర్ ఓపెన్ హైనా क्यों ओपन है ये पूरा रहता है आगे तक इसका अंडरग्राउंड रास्ता होता था ओके मतलब चूडंडी एंत पेद्दो इंत मनी अंत वाल इला स्टोर चेसुकुने वालंट एंत पेद्द लॉकर चूडंडी ओ माय गॉड ये पूरा ऊपर से इसको कवर्ड करके रखते थे पैक कर देते थे इसके अंदर कितना माल खजाना गोल्ड ऑर्नामेंट सिक्के करेंसी है इतना रहते हाँ, थे इस बात का जानकारी सिर्फ राजा को उसके वफादार सेनापति को और जो अकाउंट्स का काम करता था ना हाँ। उसी को होता था अच्छा स्टूडेंट है असल वंडरफुल ब्लॉग ऑफ रम्यास असल सीनरीज फोर्ट वर्षम लो మీరు ఎప్పుడన్నా ఉదయపూర్ ఆర్ జైపూర్ విజిట్ చేస్తే డోంట్ మిస్ దిస్ ఫోర్ట్ పక్కా యు హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ एक पूरा क्या है भैया ये रेजिडेंस होता था राजा का अलग अलग उनके फैमिली मेंबर रहता था कजन अंकल चाचा मामा ताऊ नाना नानी रॉयल फैमिली जो होता था ना अभी जैसे सीएम हाउस है पीएम हाउस है तो रॉयल फैमिली इस पैलेस के अंदर रहता था अच्छा इधर क्या है इधर जो उस जमाने में घूंघट पर्दा होता था घूंघट पर्दा चलो बोलिए घूंघट पर्दा व्हाट इज घूंघट पर्दा था मींस लेडीज हमेशा चेहरा छुपा के रखती थी अच्छा खुले में नहीं घूमती थी ऐसे ओपन फेस नहीं रहता था तो उनके लिए एक गार्डन रिजर्व रहता था इधर जेंट्स अलाउ नहीं होते थे ओनली फॉर लेडीज रहता था अप्पुडु कूडा वुमेन नी मोत्तम ई राजस्थानी ఎక్కడనే ట్రెడిషన్ అది ఉమెన్కి ఎప్పుడు ఫ్రీడమ్ అనేది ఇచ్చేది కాదు బయటికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదంట ఏ క్యాయ భయ్యా ఏ రూమ్ ఐసె రూమ్ హోతే ఉస్ సమయకే కిస్కా రూమ్ హై యే ఏ ఉన్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్ హి రహతే థే యా రూమ్ ఆ పూరా పూరా అంధా హై నా హా అంధారా హై డార్క్ హై ఉస్ సమయ ఎలక్ట్రిసిటీ నహీ థా అచ్చా రూమ్ అంట కొంచెం స్మెల్ స్మెల్లీ ఉంది ఇది ఒక పన్ టైప్ ఆఫ్ రూమ్ అంట చూడండి I think so. ये जो का रूम अंडा इसमें कौन रहता था भैया उनके रिलेटिव ही रहता था उन्हें ये भी ये भी क्या है ये भी रूम होता था छोटे-छोटे छोटे-छोटे रिवानी रूम्स अंडा इधर से उधर तक हॉल आ ओके रूम रूम है इधर उड़ा ओके ओ या इकड़ కొంతమంది విజిటర్స్ వచ్చారు అప్ కహా కే భయ్యా ఎంపీ సే ఉజ్జైన్ సే ఆప్ హమ్ హైదరాబాద్ సే దేఖ్ లియా తా పూరా అభీ ఫస్ట్ టైం హై హా ఫస్ట్ బార్ అచ్చా 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 ఉజ్జైన్ ఉజ్జైన్ మే భీ ఆనా హై టెంపుల్ రహతా నా ఉజ్జైన్ మహాకాల్ మహాకాలేశ్వర మందిర్ ఓ అమ్మ మాతాజీ కా రహతా షాయద్ మాతాజీ వో హరి సిద్ధి మాతా అచ్చా శంకర్ భగవాన్ రహతా హై ఉదర్ శంకర్ భగవాన్ కా వహాన్ హై మహాకాలేశ్వర अच्छा अच्छा थैंक यू भैया भाई गोपाल मंदिर के आइसक्रीम आइसक्रीम ओके ये जो ग्राउंड देखेंगे ये लेडीज के लिए रिजर्व रहता था ओके नॉट अलाउड इधर लेडीज को इस समय नंटा लेडीज क्या करती थी इधर इधर छोटा मोटा उनका जो कल्चर प्रोग्राम होता था वही सेलिब्रेट करती थी क्योंकि लेडीज घूंघट पर था होने की वजह से कभी बाहर नहीं जाती थी ओके जो एमना छिन्न छिन्न डेकोरेट कर देते थे एक स्टेज उंटद अंटे डेकोरेट చేసేస్తాం అంట वो सामने मैट सर्वेंट जो होती थी ना అక్కడ అందర్ అంట మ్యాట్ సర్వెంట్ అందర్ రూమ్ అంట మేడ్ అండ్ సర్వెంట్ రూమ్స్ అంట కానీ ఇక్కడ నుంచి అయితే బయటికి ఎప్పుడు రానియర్ అంట ఇంట్లోనే ఉండాలి ఇంట్లోనే డాన్స్ చేయాలి ఇంట్లోనే ఆడుకోవాలి ఇంట్లోనే పడుకోవాలి ఏ క్యా హై భయ్యా ఏ సారా ఐసే డ్యామేజ్ పూరే రూమ్ హోతే తో ఉపర్ వో వాష్ టవర్ హోతే తే సామ్నే జో దేఖా నా ఏ వాలా ఇస్ తరహ కే వాష్ టవర్ హోతే తే జిస్కే అందర్ 24 అవర్ సెక్యూరిటీ లగి రహతీ థీ ఇస్ పాలెస్ కి సెక్యూరిటీ అది వాచ్ టవర్ అంట సెక్యూరిటీస్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంటార అంట ఎప్పుడు వాచ్ చేస్తుంటారు अभी बंद करके रखा कोविड की वजह से उधर से निकलोगे क्या है वो वो क्या है भैया टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ है वहाँ चलेंगे अपन ओके विजय स्तंभ अंट मनम अकड़केल्दामु सो हो गया इधर पूरा हाँ इधर हो गया देखने का कुछ भी है